गाइस आई एम विद बॉन्ग चोंग दा आपका अर्पण दा तो दादा तुम्हारा तो देखते ही पाबे एर वीडियोते जे की रकम की आछे Hi guys, welcome back to my channel. Today you are watching Always Rahul and this is new vlog. और अभी बज रहा है दोपहर के 1:10 के ऐसे टाइम पे बहुत कम ही स्टार्ट होता है ब्लॉग, लेकिन फाइनली अब स्टार्ट हुआ क्योंकि आज कुछ करने के लिए था नहीं, थोड़ा खेलने गया था। वो लास्ट वाले ब्लॉग में अच्छा खासा रिस्पांस देके 100 व्यूज आ गए एक दिन के अंदर, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इस नाम को लेके सब कोई ने मतलब हिला डाला यार, मतलब सबको पसंद आया, 99.99% लोगों को पसंद आया। थैंक यू वेरी मच, मेरा ऐसा डिसीजन आपको अच्छा लगा। तो गाइज नाम चेंज होने के बाद आज काफी दिनों बाद मैंने टाइमलैप्स बनाया, अपने ब्लॉग पे डाला पहला टाइमलैप्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड बहुत गंदा वाला नॉइज आ रहा है बाहर से, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप डिस्टर्ब हो। ऐसे ही ऑडियो इतना अच्छा भी नहीं रहता है मेरा ब्लॉग में। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आने वाला वीक है या बोल सकते हो कल से बहुत ही हेक्टिक होने वाला है, बिकॉज भाईवा का ऑफलाइन एग्जाम है स्कूल में, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा। और आप अभी देख रहे होंगे कि मतलब पहले के मुताबिक मैं अभी अब ज्यादा गैप लेके वीडियो बनाता हूँ। मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि मतलब एग्जाम भी आ रहा है, और सेकंड चीज है एक्चुअली ये सेकंड चीज है, पहला चीज ये है कि मैं चाहता हूँ कि वीडियो अच्छा बनाऊं और ऐसा नहीं कि बस जैसे तैसे डाल दूं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो अच्छा बनाने का, और बीच में आपने देखा था 2-3 ब्लॉग उतना अच्छा नहीं हुआ था, वैसा नहीं बनाऊं। मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छा बनाऊं और मैं वो चीज आपको दे पाऊं कि फिर वो व्यूज आए, मेरे लिए भी फायदा है, आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ डाल रहा है अच्छा, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे डाल दिया। मैं घर का सबसे लेजीएस्ट लड़का हूं, मैं कोई काम भी नहीं करता हूं। मैं मैं एक बार पड़ गया ना बेड में, मैं अच्छी बात बोलना चाहता हूँ, मैं एक बार बेड में पड़ गया तो भाई नहीं उठूंगा, मम्मी बुला रही है, भाई ये काम कर दे वो काम कर दे, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं अपने आप को एप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं नहीं करता हूँ, बहुत अच्छा बात है, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये चीज बुरा आदत है बहुत, हाँ कोई बात नहीं, सुधारना पड़ेगा, सबका एक एक बुरा आदत रहता है, मेरा ये चीज है। आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि आगे आगे देखते जाओ आपको पता चल जाएगा। आज हम एक शख्स से मिलने वाले हैं जो कि पहले भी आए हैं ब्लॉग में, तो आगे देखते जाइए आपको पता चल जाएगा। अगर मैंने थंबनेल टाइटल में क्या डाला है हमको पता भी नहीं है अभी तक, मैं श्योर भी नहीं हूँ कि जाऊंगा, अगर श्योर होके मैं जाऊंगा तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा। मैंने तो प्लान है कि मैं 5, 5:30 तक सिटी सेंटर पहुंच जाऊंगा, वहां पे जाके आगे आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा। और एक बात बोलना था गाइज, अगर आपने मनी हाइस्ट का सीजन 5 तक अगर देख लिया है तो आपको एक चीज मैं बता देता हूँ। मैंने गेस किया था कि सीजन 5 का जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 1 तो देख लिया होगा अगर आपने देखा है तो पूरा, तो पार्ट 2 जो होगा उस पे मैंने गेस किया था, और बहुत सारे स्पॉइलर वीडियो भी थे जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे पहले से, प्रोफेसर मर जाएगा, मैक्सिमम वीडियोस में ये था। मेरे को भी लगा कि हाँ भाई हो सकता है प्रोफेसर मर जाए, क्योंकि बहुत सारे मूवीज में ऐसा होता है कि लास्ट में जाके हीरो मर जाता है, लेकिन हो सकता है प्लान सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन अभी नेटफ्लिक्स ने देखा, मैंने 16 घंटा पहले एक वीडियो अपलोड किया था नेटफ्लिक्स इंडिया ने, तो उसमें डाला है कि प्रोफेसर बीच में कहीं गायब है, मतलब पार्ट 2 मतलब वॉल्यूम 2 का कोई तो बीच का पार्ट है 1-1.5 मिनट का, तो वो नेटफ्लिक्स ने डाला है। उसमें बात ऐसा कुछ चल रहा है कि प्रोफेसर बीच में गायब है और प्लान को आगे एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो मेरे को पता चल गया कि प्रोफेसर मरेगा नहीं, क्योंकि अगर प्रोफेसर मरेगा तो एंडिंग में मरेगा, अगर बीच में मर गया तो भाई वो लोग मतलब प्लान कैसे कामयाब होगा, फिर वो तो बेकार हो गया ना। हो सकता है कि प्रोफेसर गायब हो गया है तो फिर वापस आ जाएगा लास्ट में, मतलब कुछ हुआ है, अब वो चीज तो मेरे को नहीं पता, मैं पहले से प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता हूँ। वैसे थोड़ा अजीब सा फ्रेम है इसलिए मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार सेम फ्रेम दिखा के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ। तो सिंपल है, ऐसा फ्रेम में बैठो, और यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है लेकिन मैनेज कर लो। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भाई पूजा का शॉपिंग कर लिया है, तो आप लोगों ने किया कि नहीं ये तो बताओ। मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं किया है, हाँ होगा, हम लड़कों लोग का क्या है भाई, एक दिन जाएंगे 2-3 घंटा बैठेंगे, कपड़ा वपड़ा उठा के आ जाएंगे, तो अपना सिंपल है, तो कभी भी जाएंगे तो हो जाएगा। गाइस मैं आया था छत में चेक करने की कैसा हाल है वेदर का, क्योंकि इससे पहले बहुत खतरनाक और बहुत तेज बारिश हुआ था। मैंने बोला था कि अभी निकलने का प्लान है, अभी जस्ट बजने जा रहा है 5, जैसे ही 5 बजेगा घड़ी पे मैं निकल जाऊंगा घर से। मेरा मूड नहीं कर रहा था जाने का क्योंकि बारिश हुआ, ऊपर से अभी थोड़ा बूंदाबांदी चल रहा है, एक आध तो गाइस हम घर से निकल चुके हैं, और प्लान अचानक मतलब मैं अचानक निकल गया, बिकॉज बहुत जल्दी में निकलना पड़ा, ड्रेस अप हुआ। अभी बज रहा है 5, जैसे कि मैंने बोला था कि घड़ी में 5 बजे से ही मैं निकल जाऊंगा, लेकिन अभी 2-3 मिनट पहले ही निकल गया मैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेंड्स कैफ़े सिटी सेंटर में, बिग बाज़ार के बाजू में है, क्यों जा रहा हूँ वहाँ जाके बताता हूँ। और मेरे को ज्वाइन करेंगे और पुंदा मतलब बोंग चोंग और राहुल। और एक बात है कि मैं घर पे बता के नहीं निकला हूँ, मैं घर पे ये बता के निकला हूँ कि मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं खुद से और नहीं था ना कि मैं जाऊँगा कि नहीं, निकलूँगा कि नहीं। निकल रहा हूँ अचानक, फिर क्या बोलूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ, फिर बहुत गंदा वाला पड़ता और मना भी हो सकता था। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि ट्यूशन जा रहा हूँ, मैं आके विस्तार में बता दूंगा तो वही सही रहेगा। और ये रास्ता बहुत ख़राब है, ये तो स्टेबिलिटी की वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन ये पूरा मतलब मेरा नैरो टायर्स के लिए तो बना नहीं है ये रास्ता, भाई बहुत ख़राब है ये रास्ता। और पेड़ वेड़ भी गिर गए हैं, बहुत ख़तरनाक वाला तूफान आया था। इतने पॉटहोल्स है भाई रास्ते में। मेरा साइकिल ले जाके ले जाने का प्लान भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने लास्ट मोमेंट में डिसाइड किया कि भाई साइकिल ही ले जाते हैं, सबसे सुविधा होगा, आराम से हो जाएगा काम, जब मन जाओ जब मन आओ, क्योंकि भरोसा नहीं है ना। लास्ट टाइम जैसा लेट अगर हुआ तो भैया कुछ नहीं मिलेगा। और घर में मैं बता के भी नहीं निकला हूँ, जब बताऊँगा कि भाई लेने आओ तो मैं तब गंदा फंसूँगा। तो इसलिए अच्छा है कि साइकिल लेके जाऊँ मैं। बहुत गंदा जैम लगा था, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, शायद हो सकता है कि लंबे टाइम तक बंद था। पता है आपको, मेरा साइकिल का हैंडल अचानक से बहुत ज़्यादा हिलने लगा, तो मेरे को पता चल गया कि टायर का हालत ख़राब है, या तो टायर हिल रहा है या मैं परसों चेन टाइट करने दिया था उसके वजह से हिल रहा होगा। तो फिर मैंने कुछ देर रुक के सोचा कि क्या करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि भाई आगे चलते हैं, आगे दुकान होगा। फिर आगे लेके गया तो आगे दुकान वाला बोलता है कि स्पोक सब लूज़ हो गया, इसकी वजह से साइकिल का हैंडल हिल रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं बोला कि तो क्या अभी ठीक नहीं हो सकता, बोला कि नहीं बहुत टाइम लगेगा, स्पोक चेंज भी हो सकता है, तो जो कि इस साइकिल का स्पोक्स मिलता नहीं। फिर आ गया सिर पर दूसरा प्रॉब्लम। फिर क्या हुआ कि पैडल बहुत ज़्यादा सेक करने लगा, तो मैं बोला कि भाई आगे चलते हैं, आगे दुकान होगा। तो फिर मैंने आगे जाके ठीक कराया, ये तो अच्छा हुआ मैंने पैसा रखा था, वरना फंस जाता। एकदम हल्का हल्का सा बूंदे गिर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा, आसमान में बादल है और अभी कुछ देर में सिटी सेंटर खचाखच भर जाएगा। तो गाइज हमारे साथ राहुल आज फिर से, हाँ तो हम फ्रेंड्स कैफे के पास है और दो बंदे का वेट हो रहा है अभी भी। वो लोगों ने बोला कि 5:30 तक पहुंच जाएंगे और अभी 6:10-15 हो गया है, फिर भी वो लोग अभी तक लेट करा रहे हैं। मतलब हर बार का है कि हम लोग पहले पहुँचेंगे और जो आना रहेगा वो बाद में ही आएगा। देखते हैं कितना देर में वो लोग आते हैं। लो भैया, यहाँ पे तो साला मेला बैठ गया, दुर्गा पूजा का टाइम है तो अभी यहाँ पे मेला बैठ गया, पता नहीं कौन से खुशी में बैठा है, लेकिन भाई सही है। लिफ्ट के अंदर कोई नहीं है, आज लिफ्ट के अंदर कांड करेंगे। तो गाइस मैं आज हूँ राहुल के साथ, तो इस जगह का नाम है फ्रेंड्स कैफे। तो थैंक यू राहुल ये जगह रिकमेंड करने के लिए। मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप अभी आ रहे हो बिग बाज़ार या सिटी सेंटर में शॉपिंग करने आ रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन। अगर आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो चिल आउट करने के लिए जगह बहुत अच्छा है। बिग बाज़ार के जस्ट बाजू में अभी पूजा का शॉपिंग भी चल रहा है, पूजा का शॉपिंग करके खत्म। स्नैक्स ट्राई कीजिए, मेन कोर्स भी मिलता है पर स्नैक्स का ज़्यादा फेमस है। हाँ यहाँ पे मतलब स्नैक्स के लिए बेस्ट है ये जगह, कॉफ़ी वॉफ़ी करो, कॉफ़ी खाओ, स्नैक्स खाओ, मोमो मैगी जो मन, जगह बहुत अच्छा है। लाइटिंग मेन जो चीज़ है लाइटिंग, अगर गार्डन काफ़ी है वही। अगर आपने YouTube का ट्यूटोरियल्स देखा होगा तो वीडियोस में मोस्टली लोग रिकमेंड करते हैं कि पीछे जो पर्पल कलर का लाइट है ये लाइट आना चाहिए, तो फ्रेम को थोड़ा निखरता है, तो वो चीज़ हो रहा है आज। तो मतलब ऑटोमेटिकली आज का वीडियो ऐसे अच्छा बन गया, फ्रेम अच्छा आ गया। हमारे साथ और एक शख्स हैं जिसके साथ मैं आपको मिलाना चाहूँगा, उनका नाम है बोंग चोंग, जो मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिया था, लेकिन अभी वो थोड़ा व्यस्त है क्योंकि वो अभी फ़िलहाल सिनेमैटिक शॉट्स बना रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद मैं आपसे कराता हूँ। गाइस आई एम विद बोंग चोंग दा अक्का और पुंदा। तो दादा তোমরা তো দেখতেই পাবে এর ভিডিওতে যে কি রকম কি আছে জায়গাটার ব্যাপারে। বেসিক্যালি বলতে গেলে যদি আসতে চাও এই জায়গা তাহলে একটা জিনিসের জন্য আসবে, সেটা হচ্ছে লাইটিং, যেটা ও মেনশন করলো আগে। यस তো লাইটিংটা যদি দেখতে চাও, এখানে একটা অপূর্ব যদি অ্যাম্বিয়েন্স পেতে চাও তো অবভিয়াসলি আসতে পারো। তোমরা বন্ধু বান্ধব যদি নিয়ে আসতে চাও তো তাহলে অবভিয়াসলি একটা জেনুইন একটা বেটার প্লেস তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। আর যদি আসো তাহলে বিকেলের টাইমটাতেই এসো। আর বাকি তো यस তো ওনার লিংক ओनर यूट्यूब चैनल है, लिंक टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे दो। बेसिकली मैं थोड़ा बंगाली में कंफर्टेबल नहीं हूँ ना, मतलब बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ब्लॉग बनाने जाता हूँ तो अटक जाता हूँ, तो एक प्रॉब्लम है। इसके बाद जाओ और एक सिनेमैटिक खूबसूरत सा एंजॉय करके आओ। let the rhythm move us. Yeah, baby, take it too far. You're at the center of my attention. Yeah, you got me so lost. I love the way that you move and how the lights keep out the groove. We're like in a movie, baby, but it's ending too soon. We're here now, let's party together. और गाइज एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया था कि वी आर द फर्स्ट ब्लॉगर ओवर हेयर, कि मतलब इस जगह को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोग के लिए कि फ्रेंड्स कैफे को हम लोग पहली बार कवर कर रहे हैं, तो अच्छे से दिखा पाएँ हम लोग जितना हो सके। तो अगर आप आ रहे हो तो भाई दिल खोल के आओ, बहुत अच्छा जगह है, सही बोल रहा हूँ। मेरे को अगर आप मेरे को फीडबैक देने बोलोगे तो मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 5। लास्ट वाला जैसे था ना, कि आपको याद है कि नहीं पता नहीं मेरे को, और फर्स्ट कोलैबोरेशन वाला वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका लिंक हम लोग दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है यार। तीनजनके रेकमेंड করছে সালার পড়ার অনুষ্ঠানে ধরে যদি আমরা বলতে থাকি তো নিশ্চয়ই কোয়ালিটি ভালো। অবভিয়াসলি আমরা খাবারগুলো ট্রাই করব আর ধন্যবাদ তোমাকে, ঠিক আছে। approximately 10 তো দেখতেই পাচ্ছ যে খাবার দাবার চলে এসেছে, কিছুটা একটা স্লো মোশন দেখে নাও, তারপরে তোমাদের সাথে মেনুগুলো ডিসকাস করছি আমরা কি কি খাবার নিয়েছি না নিয়েছি। চলো আগে স্লো মোশনটা দেখে নাও, তারপরে তোমার সাথে ডিসকাস করছি। চিকেন ডিপ ফ্রাইড जेटा 10टा पिस थे और दाम हे 200 टाका, तीनों ले लो एक साथ। चलो एक एक सबाई उठिए निल। चियर्स भाई, चियर्स भाई, चियर्स भाई। आगे नॉर्मल देखिए देखिए क्या फास्ट बाइट नॉर्मल चिकेन टेंडर तो अनेकटा सेरकम ही खेते, क्योंकि लेयारटा जेटा बाहरे आछे एकटू आलादा, माने एकदम पतला एक कोटिंग आछे। देखते देखते ही पाच्छ इधर दिखा इधर दिखा तो भेतरे पूरा एक चिकेन आछे क्रिस्पी क्रिस्पी लेयार आछे। साउल भालो बोललो जिका और राहुलो ताई बोलछे जे क्रिस्पी मैटरटा जो। चलो एबारे फास्ट डिप করছে আমাদের সস ले लो किना सॉस के साथ वेलकम। সসটার মধ্যে একটা ইউনিকনেস আছে যেটা হচ্ছে হালকা আমার পেপার ফ্লেভার, মানে ব্ল্যাক পেপার যে ফ্লেভারটা সেই যে আমি জিনিসটা পেয়ে গেলাম। চলো এরপরে মেয়োনিজ, মেয়োনিজ कांदा मानोच प्याज तो এটা আমাদের কাছ থেকে রেকমেন্ডেশন থাকলো, তাই তো। তোর কেমন লাগলো? কে আমার খেয়ে খুব ভালো লাগলো। আমি প্রথমবার এই জিনিসটা খেলাম, তো খাবার পরে এটাই বলবো যে রেটিং যদি দেওয়া থাকে 5 আউট অফ 5। কিন্তু আমি বলবো টিএসজি যে আমরা চিকেন টেন্ডারটা খেয়েছিলাম ওটা অবভিয়াসলি মাস্টাই, ওটা অবভিয়াসলি এটার থেকে বেস্ট। তো সেটা হচ্ছে আমাদের চিকেন কুরকুরে। চিকেন কুরকুরে যদি প্রাইসটা বলি সেটা হচ্ছে আমাদের 140 টাকা। এটাকে দেখতে পাচ্ছ অনেক কটা ঝিরি ঝিরি পাতা পড়ে, ওরকম নয় পাতা পড়ে না, মানে ওই আর জল পড়ে, তো যেমন কুরকুরে হয় তো তেমনই জিনিসটা দেখতে। তো চলো চামচ দিয়ে খাবো না, চামচ দিয়ে খাবো না ভাই, চামচ দিয়ে আমার বেকার লাগে, বাঙালি ভাই অবভিয়াসলি, তো হাত ইন্ডিয়ান উইদাউট চামচ ঠিক আছে। তো কুরকুরের মতন যদিও দেখতে কিন্তু কুরকুরে নয়, চিকেন কুরকুরে, মানে ভেতরে চিকেন আছে। তো চলো শুধু খেয়ে যাওয়া যাক, মানে দেখা যাক আগে কেমন খাবারটা। একটু বেশি কুরকুরে কুরকুরে নেই, মানে ভেতরে ঢুকে মুখের মধ্যে কড়মড় করছে। নাম যেরকম কাজ সেরকম, সেটা একদম সব বাদ দিয়ে একবার সস দিয়ে খুব ভালো। তো চলো আর একটা ট্রাই এবার সস দিয়ে, উইথ সস। সস বেশি ভালো লাগছে সস দিয়ে। এটা মেয়োনিজ দিয়েও খেয়ে দেখা যাক। হ্যাঁ দেখুন মেয়োনিজ কুরকুরে চিকেন না, সসটাই ঠিক ছিল, আমার ভুল ডিসিশন ছিল, তাই জন্য এখানেও যাইনি। সসটা বেশি ভালো লাগে, টেস্ট পুরো চেঞ্জ হবে। চলো এরপর নেক্সট আইটেম আমরা যাবো। তো দেখলে তোমরা যে আমরা দুখানা আইটেম ট্রাই করলাম, ঠিক কি ট্রাই করলাম? চিকেন ডিপ ফ্রাইড আর কুরকুরে চিকেন। কুরকুরে চিকেন তো দুটোই খুব নো ডাউট ভালো ছিল, কিন্তু এত যে আমরা খেলাম তো সেগুলো একটু মানে কম, তো ওই জন্য আমরা গলাটা ঠান্ডা করার জন্য আমাদের রিফ্রেশমেন্ট তো এর এখানকে দিয়েছে। এটা কমপ্লিমেন্টারি যেটা বলে থাকো, ধরো থ্যাংক ইউ। আর এর জন্য হচ্ছে স্লাইস, যেহেতু এ মানে একটু হার্ড টাইপের ড্রিঙ্কস খায় না, তো চলো একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাক। মাউন্টেন ডিউ তো মাউন্টেন ডিউর মতনই খেতে হয়। স্লাইসটা কেমন খেতে হয়? ম্যাঙ্গো ও ইয়ার ম্যাঙ্গো। তো এরপর আমরা যেটা ট্রাই করবো সেটা হচ্ছে আমাদের এগ চিকেন চাউমিন। সেটা অনেকটা এরকম দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, এতটা দিয়েছে, অনেকই ভালো দিয়েছে, মানে এটা দুজনের জন্য এনাফ। আর তিনজন চাইলে খেতে পারে, যেহেতু আমরা তিনজন আছি তো আমাদের অনুযায়ী একটা কোয়ান্টিটি এরা ঠিক করে দিয়েছে। এক চিকেন চাউমিন প্রাইস হচ্ছে কিন্তু 110 টাকা। 110 টাকায় তিনজন কিন্তু এনাফ। ফার্স্ট বাইট বেশ ভালো নাইস আমি কি বলবো কিছু বলার নেই তোর কি মতামত দারুণ আরেকটা কথা বলে রাখি যে আমি এখানে আগেও খেয়েছি আমার মানে এ গ্রেডিং যদি বলতে চাও তো আমার আগের থেকেই ছিল তো আবারও যেহেতু ভিডিও বানানো হয়নি তো ভিডিও বানাতে এসে আবারও খাচ্ছি তো এই জিনিসটা আমি যতবারই এখানে ততবারই খাই আর প্রত্যেকবারই আমাকে কিন্তু নিরাশা করে না প্রত্যেকবারই সেম টেস্ট অ্যান্ড সেম ফ্লেভার আর কোয়ালিটি বেস্ট হ্যাঁ কোয়ালিটি কিন্তু খুব ভালো এবারে ফার্স্ট টাইম খাচ্ছি ও ফার্স্ট টাইম আর স্পাইসেসের মধ্যে দেখতেই পাচ্ছ যে আমাদের চিলি ফ্লেক্স কাইন্ড অফ যেগুলো কিংবা তোমরা বলতে পারো ব্ল্যাক পেপার ইউজ করেছে তো ওই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো চলো আর সস কিন্তু ইউজ হয়েছে এখানে টমেটো ডিম পড়ে যাচ্ছে ভাই মুরগি ডিম পড়ে যাচ্ছে কষ্ট করে খেয়ে নিই একটু দাঁড়া আমাদের লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আইটেম আমাদের চিকেন রোল উইথ মেয়োনিজ আনবক্সিং যে আমরা গ্যাজেট আমরা আনবক্স করি এটা আবার কোন দিক থেকে খুলবো ভাই মানে কোটিংয়ের ভেতর কোটিং টুপির ওপর টুপি পড়িয়েছে যদিও ভুলভালভাবে ধরেছে এখানে কিন্তু পরোটাটা বেশ মোটা টাইপের পরোটা যেটা সচরাচর আমরা পাই না আর এখানে কিন্তু লাচ্চা পরোটা ইউজ হয়েছে মেয়োনিজ আছে চিকেন আছে পুরো ভর্তি আছে তো চলো ফার্স্ট বাইট এটা আমি একা খাবো কাউকে দেবো না টেবিলে কি এক চিকেন চাউমিন দি বেস্ট হাই সবপরার থেকে এটা বেস্ট तो गाइज आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम ब्लॉगिंग विद द फ्रंट कैमरा और खाने की बात करूँ तो बोलना चाहूँगा कि जितना भी डिश हमने ट्राई किया चाउमीन और तो सिर्फ यहाँ पे ऑफलाइन ही नहीं आप ऑनलाइन भी यहाँ पे फूड बुक कर सकते हो तो आप जोमेटो और स्विगी का सहारा लेके भी आप खाना ऑर्डर कर सकते हो फ्रेंड कैफे से यहाँ पर थाली ही मिलता है लंच डिनर सब मतलब पूरा ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक आपको यहाँ सब मिलेगा तो आप जब मर्जी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं या आके खा सकते हैं ज़रूर आके एक बार देखिए हम लोग को बोलने से तो होगा नहीं आपका खुद का टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद एक बार टेस्ट करके देखिए फिर आपको यकीन होगा तो फाइनली এই জায়গাটাতে আমরা খাওয়া দাওয়াগুলো মানে করলাম খাবারগুলো ট্রাই করলাম তো অবভিয়াসলি নাম হচ্ছে ফ্রেন্ডস ক্যাফে তাই তো আর যেহেতু ফ্রেন্ডস ক্যাফে তাদের থেকে ফ্রেন্ডলি কথাটা আসছে তো ফ্রেন্ডলি একটা অ্যাটমসফিয়ার কিন্তু তোমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছ তোর মতে কী মনে হয় আমারও তাই মনে হয় যে এখানে সার্ভিসটা খুবই ভালো কারণ আমি অন্য রেস্টুরেন্টে দেখেছি কিন্তু এখানে যে ম্যানেজার ছিল খুব ভালোভাবে কথা বললো খুব ভালোভাবে ইন্টারাক্ট করলো আমাদের সাথে ফ্রেন্ডলি খুব ফ্রেন্ডলি ছিল কারণ যেরকম নাম ফ্রেন্ডস ক্যাফে তো ওরকম কাজও হলো আর আমরা যদি রেকমেন্ডেশন করি যে তোমরা এখানে আসবে কি আসবে না আমি বলবো ডেফিনেটলি এসো কারণ অ্যাম্বিয়েন্সটা প্রচণ্ড পরিমাণে খুব ভালো একটা অ্যাম্বিয়েন্স আর খাবারগুলো যেগুলো আমরা ট্রাই করলাম প্রত্যেকটা কোয়ালিটি লাজবাব ছিল কথা বলতে গেলে আর ও যেহেতু রেটিং করে তো ও রেটিং করবে আজকে খাওয়া দাওয়া অ্যাম্বিয়েন্স কেমন 5 out of 5 কেন 10 out of 10 নয় কেন না আমি তো 5 আচ্ছা তুই 5 দিয়ে রেটিং করিস হ্যাঁ ও যেহেতু 5 দিয়ে রেটিং করো তো 5 রেটিং করছে আউট অফ 5 মানে ফুল রেটিং পাচ্ছে ফুল আর এখানকার প্রত্যেকটা স্টাফ কিংবা তুমি ম্যানেজারের কথা বলো তো দুজনেরই মানে যারা এখানকার আছে মেম্বার আছে যারা তো স্টাফ আছে সবার কিন্তু বিহেভিয়ার মাত্র রকমের ফ্রেন্ডলি मैं लिटिल कंफ्यूज है इधर देखो कि इधर मैं बीच में देख रहा था आज का काम बिल्कुल फेवर में हुआ लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम हो गया वो कि हम आरसीबी का बैटिंग नहीं देख पाए अभी हम क्रिकबज़ में चेक किया कि साला आरसीबी तो बैटिंग कर रहा है लेकिन साला हम कर नहीं पाए देख नहीं पाए कोई बात नहीं घर में जाके जंदे गाड़े हैं तो गाइस फाइनली आज का मैच जो है आरसीबी अच्छी तरीके से जीत गया है और मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है अगर आपने आईपीएल का मैच देखा होगा तो आपको जवाब मिल गया होगा तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देना चाहूँगा कि रात के बज रहे 12:30 तो ये ब्लॉग आज कल नहीं ब्लॉग अगर आप देख रहे हो तो ये ब्लॉग 27 तारीख को नहीं गया होगा हो सकता है कि 29 तारीख को गया है लेकिन मेरा वीडियो पूरा रेडी हो चुका है एडिट भी हो चुका है बस सेव करना बाकी है रेंडर वेंडर एडिट वेडिट सब हो गया है कुछ रीज़न की वजह से मैं वो अपलोड नहीं करता इस हमारा एक पार्ट उससे पहले अपलोड हो चुका होगा जो कि आपने देख लिया होगा तो भरपूर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसके पीछे एक बैक स्टोरी है जो कि उस वीडियो में मैंने बोल दिया है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में लो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखो तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में ऑलवेज राहुल के साथ बने रहिए और ऑलवेज राहुल इज ऑलवेज विद यू